अगर तुम्हें चैनल पे तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें करना है ना। तो ये आज हम मैं बताने वाला हूँ आपको ये कुछ ऐसी चीज जो आपके काम की है। तो ये है एक वायरलेस ब्लूटूथ हेडसेट है ना। तो इसको मैंने मंगाया था 1 साल पहले। तो मैं इसी चीज़ से आपको बताने वाला हूँ कि आप 120 या 125 में इस वायरलेस माइक कैसे बना सकते हैं, क्योंकि जो वायरलेस माइक आते हैं वो बहुत महंगे आते हैं, 700-800 रुपये के अच्छे। तो उसके जरिए उसके बिना मैं इससे बताने वाला हूँ। ये 1 साल पहले मंगाई थी, तो इसका एक ये वायर ख़राब हो गया है। तो अभी वायर ख़राब हो गया तो मैं सोचा इसका कुछ कर दिया जाए। तो मैं सोचता हूँ ये चलती है, एक में आवाज़ आती है, पर मैं सोचता इसका वायरलेस माइक बना लिया जाए। तो वो हम शुरू करते हैं, हम इसमें वायरलेस माइक बनाते हैं। तो इसमें है ना, एक तरफ तो बैटरी है और एक तरफ है इसकी वो बोर्ड। तो मैं इसको आपको पहले खोल के दिखाता हूँ क्या क्या है, और हम इसको हटा देंगे इस वाले दोनों वायरों को। सिर्फ अपन को माइक माइक रखना है, माइक बनाना है। जैसे कि इसमें निकला है ये, आप देख सकते हैं ऐसा। तो इसमें चार्जर के लिए भी है यहाँ पे पोर्ट, ऐसे ये चार्ज हो जाती है, खुल जा, ये ऐसे चार्ज हो जाता है, ऐसे लग जाता है। तो हमारे पास ये भी है, तो हम इसको हटा देंगे इसमें से। हमारे पास कैची, इससे मैं काट देता हूँ इसे, इसको मैं हटा दूंगा। सिर्फ हमको माइक माइक चाहिए। तो हमने इसको मैं इसको काट दिया, ये कट चुकी है। ऐसे ही मैं इसको वापस फिर फिट कर देता हूँ। ये फिट हो जाएगी अभी। फिट हो गया इसका, वो कहाँ गया। ये फिट हो चुकी है। ऐसे ही मैं इसको भी आपको खोल के दिखा देता हूँ क्या होता है। इसमें जैसे देख सकते हैं कि आपको एक बैटरी देखने को मिलेगी। ये है कम से कम 280 mAh की बैटरी है, ठीक है। कि मैं इसका भी वायर हटा देता हूँ यहाँ से, हमको इस वायर की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। इसको पूरे को हटा देता हूँ, इस कागज़ को भी इसमें क्या लगा रखा है। और देखते हैं वो माइक काम करता है नहीं करता है ऐसा माइक। तो हमने इसको लगा दिया वापस, और इसको भी हम वापस लगा देते हैं। तो हमने इसको लगा दिया है। तो ऐसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे और आवाज़ आ जाएगी, ऐसे नहीं आएगी। इसके लिए एक और ट्रिक है, उससे ही आप शूट कर पाओगे, नहीं तो बाकी नहीं कर पाओगे नॉर्मल कैमरे से। तो इसको मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ कि ऐसे करेंगे तो थोड़ा नीचे रह जाता है। हम यहाँ पे करेंगे इसको फिक्स सेट, ऐसे भी नहीं कर सकते। तो हम इसको करेंगे कुछ ऐसा सेट कि ये यहाँ पे आ जाए। तो ठीक है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। जब मैं इसको पहले सेट कर लेता हूँ, मेरे पास एक सेट चुके उससे करने की कोशिश करता हूँ इसे, फिर मैं बताता हूँ आपको आगे का प्रोसेस कि ये कैसे होगा। तो वीडियो में बने रहे। मैंने कुछ इसको ऐसी शेप दे दी है, और ऐसी शेप देने के बाद ये ऐसा क्या हुआ कि इससे मेरे मुँह के पास आ गया, तो इससे आवाज़ क्लियर आ गई माइक में। तो अब ये बनाने के बाद अपन को करना है अपने दो ऐप डाउनलोड करने। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे टैब में ये ना, अपन को दो ऐप डाउनलोड करने हैं। एक तो है BTMO और एक है सिनेमा FB Lite। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। BTMO पे जाने के बाद इसको आपको ऑन करना है, ऑन हो जाएगा ये। फिर अपन को जाना है सिनेमा FB पे। सिनेमा FB पे जाने के बाद ये कुछ ऐसा आएगा, तो हमको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद इसके माइक वाले सेक्शन में जाके ऑडियो सोर्स को हमको ब्लूटूथ माइक पे कर देना है। फिर हमको बैक जाना है, और ब्लूटूथ को कनेक्ट कर दिया है मैंने। तो अब रिकॉर्डिंग शुरू करके सुनाता हूँ मैं आपको। इसमें रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं थोड़ा पीछे चले जाता हूँ कि इससे पता चल जाएगा कि आवाज़ आ रही नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो हेलो, मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, ठीक है मैं चेक कराता हूँ उसको आपको, ठीक है। को टेस्ट करिए, ये जैसे आ चुका है। मैं इसकी थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, तो मैं इसको चालू करके देखता हूँ। ये माइक की आवाज़ है। देखिए कितनी क्लियर आवाज़ आ रही है। मैं उसमें धीरे बोल रहा था, मैं धीरे बोल रहा था, और ये सक्सेस हो चुका है इसका। ये मतलब काम करती है भाई।
तो हम किसी शूटिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।